चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात मस्बत रही। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं लेकिन स्पेन में बैठा शख्स अभी नहीं मान रहा। मोनस इलाही एक साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, हम एक ख़ानदान में, जबकि सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। काफ़ी अच्छे से ये पार्टी है और जो हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो ये हैं कि जो प्रॉपर विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनका ऑन ग्राउंड जो है वोट बैंक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द जो है हमने भी आएंगे। जैसे ये बताइए कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो जेल में मुलाकात हुई, क्यों बर्फ नहीं पिघल रही, कौन रुकावट है इसमें? उसमें मुलाकात जो है ओवरऑल तो बड़ी अच्छी रही है मुलाकात। बाकी जो है जिस तरह मोनी साहब ने तो साल पहले किया गया था कि सियासत अपनी अपनी, चौधरी साहब क्या लाहौर वाले मान गए हैं, स्पेन वाले नहीं मान रहे? लाहौर वाले चौधरी साहब मान गए हैं, स्पेन वाले नहीं मान रहे, क्या कहेंगे इसमें? तो ऐसे रहा, स्पेन वाले भाई डटे हुए हैं अभी। अच्छा, आपने लेकिन वहाँ पे तो वो कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पे उनके वाले साहब जेल में कहते हैं मुझे कपड़े भी नहीं तब्दील करने दिए जाते, तो ये खुला तजाद नहीं, नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दावत दी है बकायदा चौधरी परवेज इलाही को कि वापस आ जाए पार्टी? जी जी बिल्कुल। और वो मान नहीं रहे? नहीं, वो यही है कि एज अ खानदान जो है वो इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। एज अ खानदान इकट्ठे चलेंगे तो जैसे भी ये खानदान इकट्ठे, क्या खानदान में कोई इख्तलाफात मौजूद हैं जो उन्होंने कहा कि इकट्ठे चलेंगे? आपने सवाल से क्या पता ही है क्या होता है? सवाल सिर्फ ये है कि वो पार्टी में आ रहे हैं मुस्लिम लीग में या नहीं, और उन्होंने तो इरादा कर लिया और ना कि जहाँ है उन्होंने ये सोचा कि मैं उन्होंने फिलहाल जो है पी टी के साथ चल रहा है। खबर असल में चौधरी साहब आपने पहले कहा कि वो रजामंद हैं काफ लीग में वापस आने के लिए, मोनस इलाही नहीं मान रहे, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें, कोई बात नहीं। रुकावट जो है बुनियादी तो क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं उस मीटिंग में तो था नहीं मौजूद, मगर जैसे वो कहा है कि सियासी खानदान इकट्ठे चलना चाहिए, मगर अगर कोई सियासी फैसले अपने कर चुके हुए हैं उसमें तो फिर कुछ नहीं कह सकता। मजीद कोई बड़ी शख्सियत है जो आपकी काफ लीग ज्वाइन करना चाह रही हूँ? आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईद के बाद जो है अच्छी और भी मजीद खबरें आएंगी। पंजाब से आएंगी या पूरे पाकिस्तान से आएंगी? के पी के से काफ़ी लोग हमें अनग्रीब ज्वाइन कर रहे हैं जो वहाँ के सबका एमपीज रहे हैं के पी के में, और पंजाब में भी जो है इंशाल्लाह विनिंग कैंडिडेट जो है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे।